नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप दोस्तों? अच्छा, आप सब बिजी तो होंगे ही, क्योंकि अब समय आ रहा है आलू खुदाई का। और आज तारीख है 14 फरवरी 2024 और दिन है बुधवार दोस्तों। और आज माँ शारदे का दिन है, माँ सरस्वती का दिन है, ज्ञान दायिनी का दिन है। तो सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। अब हम सभी लोग आलू की खुदाई की तैयारियों में जुट गए हैं। कुछ किसान भाई जो आल है, वेजिटेशन पार्ट होता है, उसको कटवाने रहे। कुछ मेरे संज्ञान में एक किसान भाई ने कहा है कि कुछ लोग यूरिया का स्प्रे भी कर रहे हैं इस समय। तो क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरा डिटेल वीडियो में आज शाम को आपको देने का प्रयास करता हूँ आलू की खुदाई पर, कि क्या क्या आप सावधानी रखें जिससे आपकी पटेटो की क्वालिटी जो है वो ट्यूबर की क्वालिटी खराब ना हो, बेहतर से बेहतर बनी रहे। और उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो दूंगा। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि पिछले साल जो माहौल था आलू का, उसके कंपेरिजन में इस बार क्या माहौल है। और जो उत्पादन है उसकी बात तो हम कई बार कर भी चुके हैं, और आप सभी को भी पता है कि उत्पादन भी कम निकल रहा है। जिन जिन किसान भाइयों ने खुदाई प्रारंभ कर दी है शुरुआत में, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। साथ ही आज मैं आपको अच्छे क्षेत्र जहाँ जहाँ पर आलू प्रभावित होता है मंडियों के द्वारा, वहाँ के भावों को भी बताने वाला हूँ दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज, और आप देख रहे हैं ब्रजरंग कृषि फार्म यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आज आपको भावों पर चर्चा करते हुए और ये बताता हूँ कि इस साल इस जो माहौल चल रहा है उससे क्या संभावना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आज की दिल्ली आजादपुर मंडी से दोस्तों। तो आज 14 फरवरी 2024 को दिल्ली आजादपुर मंडी में टोटल गाड़ियों की आवक है वो 118 से 120 के आसपास है दोस्तों। ये कारण मैं जो है एग्जैक्ट इसलिए नहीं कि बाद में भी गाड़ियां बाहर रहती हैं जो रिकॉर्ड में नहीं रहती, तो इसलिए 20 के आसपास गाड़ियां हैं, 120 के, जो कि पिछले साल की तुलना में दोस्तों गाड़ियां जो है इस साल कम हैं। यानी कि पिछले साल गाड़ियां जो इस समय आ रही थी वो जो है कम गाड़ियां थी और ज़्यादा गाड़ियां थी, और 150 के आसपास गाड़ियां थी, इस साल 120 के आसपास गाड़ियां हैं। पहली बात तो। दूसरी बात, अगर रेट की बात करें तो रेट जो है आज यूपी की जो 90 गाड़ियां हैं टोटल, तो यूपी की 90 गाड़ियों में हाइब्रिड आलू की संख्या जो है पका हुआ वह हाइब्रिड आलू आ रहा है, ज़्यादातर हाइब्रिड आलू है अभी, और उसके रोड जो बेहतरीन आलू है उसके रेट है 400 से 420 रुपये पैकेट के दोस्तों। पैकेट यहाँ 50 केजी का होता है। वहीं बात करें कि पंजाब का, तो पंजाब के सफ़ेद आलू की 15 गाड़ियाँ हैं और लाल आलू की 4 गाड़ियाँ दोस्तों। तो पंजाब का जो रेट है दोस्तों वो है 360 से 400 रुपये पैकेट तक का जो है एवरेज रो, ज़्यादातर पुखराज आलू जो है पंजाब से आ रहा है। वहीं बात करें लाल आलू की, तो वो 470 रुपये तक जो बिक रहा था वो उसमें करीब करीब 70-80 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 100 रुपये तक की बढ़ोतरी है दोस्तों। 550 के आसपास के रेट हैं 50 केजी के पैकेट में। वहीं बात करें संभल के आलू की, तो संभल का जो सफ़ेद आलू है वो जो है 370 से 420 रुपये पैकेट में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। अब पिछले साल की तुलना करें तो दोस्तों पिछले साल से जो है 280 और 90 के आसपास के रेट थे, तो आप खुद लगा लें करीब करीब डबल रेट से अब आलू बिक रहा है। तो ये सभी माहौल जो है कह रहा है कि आलू का भविष्य अच्छा होगा। वहीं बात करते हैं फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी की। आज फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी में आवक बढ़ गई है दोस्तों, और 150 मोटर के आसपास की आवक है, और 37-97 आलू आज दिखाई दिया है आप मंडी में, और उसकी शुरुआत ही है 37-97 की, और पका आलू है। लेकिन क्वालिटी की बात करें तो मध्यम क्वालिटी कह सकते हैं, एवरेज क्वालिटी है, जिसके रेट 951 से 1035 रुपये क्विंटल तक रहे। वहीं जो ख्याति और पुखराज आलू आता है उसके रेट 851 से 1000 रुपये पैकेट तक के रहे बढ़िया, और हल्का आलू जो है वो 700 750 800 तक की बिक्री में यहाँ पर फर्रुखाबाद में हुआ है। वहीं बात करें पिछले साल की दोस्तों, तो पिछले साल रेट यहाँ पे इसके 100 150 200 रुपये तक के कम थे क्विंटल पर रेट। बात करें ठटिया मंडी की दोस्तों, तो ठटिया मंडी में सातनपुर में 37-97 पिछले साल एक भी गाड़ी नहीं आई थी, तो 37-97 इस बार किसानों ने किया है। यहाँ पर ठटिया मंडी की बात करें तो यहाँ पर कंचन आलू के जो रेट हैं वो 421 के आसपास हैं दोस्तों। हल्का आलू 360 से 370 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ बिक रहा है। वहीं लाल आलू 380 से लेकर के 490 रुपये तक की बिक्री हुई है।
बात करें दोस्तों इटावा मंडी की, तो इटावा मंडी में 1000 से 1100 रुपए क्विंटल गड्ढ आलू पका हुआ बिक्री हो रहा है, और पैदावार जो है किसानों ने बताई कि 35 से 40 पैकेट प्रति बीघा की पैदावार यहां पर निकल रही है। वहीं बात करें दोस्तों पिछले साल की तुलना में जो मंडियों में इनमें 150 से 200 रुपए क्विंटल की तेजी बताई गई है। बात करें जयपुर मंडी की दोस्तों, जयपुर मंडी में रेट जो चल रहे हैं 37.97 पुखराज और 302। अभी क्या है कि कोई भी क्वालिटी या क्या ब्रांड के नाम से आलू नहीं आ रहा है। अभी जो आलू आ रहा है वो थोड़ा सा छिलका भी उतर रहा है, अभी पूरी तरह से पका नहीं है, लेकिन अब जो आलू की उम्र तो पूरी हो गई है, तो यहाँ पर 9 से 10 रुपए किलो में 37-97 आलू बिक्री हो रहा है, और जो है हॉलैंड आलू 10 से 11 रुपए किलो में बिक्री यहाँ पर हो रहा है, जो कि पिछले साल की तुलना में 100-150-200 रुपए तक की कीमत यहाँ पर भी ज़्यादा है। वहीं बात करें जोधपुर मंडी में, तो जोधपुर मंडी के रेट 8 से 9 रुपए किलो के हैं। अब बात करें दोस्तों कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में जो है 800 से 850 रुपए क्विंटल के रेट हैं बढ़िया आलू के, और वहीं पिछले साल जो है 500-550 रुपए क्विंटल के रेट थे। वहीं बात करें हॉलैंड आलू की, तो हॉलैंड आलू 1000 से 1100 रुपए क्विंटल में कानपुर में बिक्री हो रहा है। बात करें साउथ की चेन्नई मंडी की, तो यहाँ पर यूपी का आलू अभी 16 से 18 रुपए किलो के रेट से अभी बिक्री हो रहा है। वहीं एमपी का आलू 21 से 22 रुपए किलो और हल्का 19 से 20 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। यहाँ पर भी 300-350 रुपए क्विंटल के रेट जो है पिछले साल की तुलना में ज़्यादा देखे गए हैं। वहीं बात करें दोस्तों पक्के आलू की खुदाई की, तो कोल्ड स्टोरेजों में मुहूर्त प्रारंभ हो गए हैं, और अब किसान जो है पक्के आलू की खुदाई भी कहीं कहीं प्रारंभ हो गई है, और पक्के आलू में ज़्यादातर जो मोटा साइज है वो कम ही निकल रहा है, और गुल्ला और किर्री की संख्या जो है ज़्यादा है दोस्तों, और जो एवरेज पैदावार है वो भी कम ही आ रही है। जहाँ प्रति बीघा के 50 पैकेट निकलते थे, वहाँ पर 40 पैकेट ही निकल रहे हैं, तो ये पैदावार करीब करीब 20% कम आ रही है, जिनकी अभी खुदाई प्रारंभ हो गई है। यहाँ खुदाई पर मैं एक बात किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि जिन खेतों में रोग आया था या जिनकी आल जो है वेजिटेशन पार्ट पहले ही ख़त्म हो गया है, उनकी खुदाई जल्दी कर देनी चाहिए। उसमें ज़्यादा इंतजार करने से ट्यूबर पर इफेक्ट आ सकता है, इसलिए वो किसान भाई जल्दी खुदाई अभी प्रारंभ कर दी है। बाकी के किसान भाई अभी थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। बात करें दोस्तों पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में जो रेट हैं वहाँ 1400 से लेकर के 1500 रुपए क्विंटल के नए आलू के, और पुराने आलू के 1500 से 1600 रुपए क्विंटल के रेट हैं मंडियों में। वहीं यूपी और एमपी का आलू 1300 से लेकर के 1400 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें दोस्तों नागपुर मंडी की, तो आज नागपुर मंडी में टोटल गाड़ियों की आवक 13 नई है और 6 बैलेंस, यानी कि टोटल 19 गाड़ियों की आवक है, और लोकल आलू यहाँ पर 2400 से 2500 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। कानपुर का तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिलहाल कानपुर में एमपी का भी आलू आया है दोस्तों, तो एमपी का आलू जो है 13 से लेकर के 15 रुपए किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ, हल्का 11 से 12 रुपए किलो में बिक्री हुआ है। इंदौर मंडी में 10.5 से 12 रुपए किलो की रेट है दोस्तों। वहीं गुजरात अहमदाबाद की बात करें तो वहाँ पर अलग अलग रेट है। बादशाह आलू 14 से लेकर के 16 रुपए किलो तक बिक्री हो रहा है, और वहीं ख्याति पुखराज की बात करें तो 11 से लेकर के 12 रुपए किलो के रेट हैं। ये तो दोस्तों ज़्यादातर क्षेत्रों के आलू के भाव थे। अब आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से पिछले साल एक शुरुआत से ही एक हवा बनाना प्रारंभ कर दिया था लोगों ने कि आलू की पैदावार इतनी ज़्यादा है कि कोल्ड स्टोरेजों के छत पर आलू रखा जाएगा, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। आज इस बार ऐसे कोई भी इस तरह की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका परिणाम भी ऐसे लोगों को बाद में भुगतना पड़ा था। कुछ इस साल सभी हमारे साथी लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और उनको सभी को लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके लिए उनका साधुवाद करता हूं, जिनके जो भाई ग्राउंड में जाकर के सारी रिपोर्टिंग करते हैं। हालांकि ग्राउंड में मैं भी मेरा भी जब खेत है और मैं भी गाँव जाता हूँ, तो आसपास के क्षेत्रों में मैं भी देखता रहता हूँ, रिपोर्टिंग करता रहता हूँ, कि कुछ चीज़ों हैं बार बार जो है एक ही बात बताने से कोई लाभ नहीं है दोस्तों। उसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके थे कि 15 से 20% पैदावार कम आएगी, और अब इसका असर भी दिखने लगा है। जिन खेतों में खुदाई प्रारंभ हो गई है उसमें पैदावार 15 से 20% कम आ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों पंजाब की, तो पंजाब के किसान भाइयों ने हमें ये बताया था कि शुरुआत में तो जैसा कि आपने देखा था कभी ओलावृष्टि कभी अतिवृष्टि, ये सब के कारण जो है कच्ची पैदावार पर बहुत इफेक्ट रहा था। कच्ची आलू की जो खुदाई हुई है या पैदावार हुई उसमें किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने जल्दी जल्दी खोद के और कुछ किसान
सीड की बुवाई करते हैं, सीड प्रोडक्शन करते हैं, तो सीड में भी बाद में ब्लाइट का इफेक्ट रहा है या कुछ कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है, तो उससे भी काफ़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। तो इस बार ये भी जो है एक जानकारी में आया है कि पंजाब से जो सीड का प्रोडक्शन है वो भी इस बार प्रभावित हुआ है और पिछले सालों की तुलना में उसकी भी कमी देखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों पक्के आलू की जो पैदावार पर पंजाब के अंदर, तो वहाँ पर ब्लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो पक्के आलू की पैदावार में भी दोस्तों इस बार एक तो क्वालिटी भी उतनी बेहतर नहीं है और दूसरा प्रोडक्शन भी उतना बढ़िया नहीं है। अब बात करें दोस्तों गुजरात की, तो गुजरात में भी पैदावार बारिश के कारण, और इस बार ब्लाइट पहली बार ऐसा हुआ है कि गुजरात में ब्लाइट का इतना बड़ा प्रकोप हुआ है, तो ब्लाइट और बारिश दोनों के कारण वहाँ पे भी 25-30% की पैदावार की कमी आने की सूचनाएं हैं हमारे पास और खुदाई वहाँ पर प्रारंभ जो है हो गई है। अब बात करें पश्चिम बंगाल की दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में अभी समय है खुदाई होने में, और जिस तरह से सूचनाएं आ रही हैं अभी वो कोई भी कन्फर्म नहीं है क्योंकि विरोधाभासी भी सूचना है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी पंजाब के पश्चिम बंगाल के प्रोडक्शन को पूरी तरह से क्लेरिफाई नहीं किया जा सकता, अभी तक की वहाँ की फसल बढ़िया बताई गई है, लेकिन कुछ वहीं दूसरे एक तबके का ये कहना है कि निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में भी पैदावार कम होने की संभावना है। तो ये थे दोस्तों आलू के इस साल के भावों में और पिछले साल के भावों में अंतर और पैदावार की जो हमारे पास सूचना है उसकी आपको जानकारी। बाकी आप शाम को मैं हैं जो खुदाई के बारे में भी आपको वीडियो देने का प्रयास करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। और जो भी नए किसान भाई हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, आगे आपको जो है मंडी भावों से और आलू की कंडीशन से लगातार अपडेट कराते रहेंगे। और बाकी आप लोगों का प्यार जितना मिल रहा है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।